बड़ी खबर इस समय आ रही, दीप्ति सरना किडनैपिंग केस का खुलासा हो रहा है, सीधे चलिए। चौक से यहाँ आने में 30 से 35 मिनट लगते हैं, किस स्टेशन से कितने तक ये पूरा लिखता था। ये दो ऑटो खरीदता है, दो ऑटो खरीदने का ये था कि लड़कों की ये जो युवती है वो वैशाली से उतर के ऑटो का ही इस्तेमाल करती थी, तो जब वापसी में ऑटो, तो इसको ये था कि हम ऑटो चलाएंगे और ये अपना सारा काम छोड़ के उसके बाद ये यहाँ ऑटो लेके तो आ गया। और इसके साथ इसका एक और फ्रेंड है जिसका नाम है जो ऑटो चलाता था राजीव प्रदीप नाम का व्यक्ति जो है, इसने उसको इसने लिया। सबसे अच्छी मतलब आश्चर्यजनक बात ये थी कि इसने किसी को भी नहीं बताया, उनसे कहा चलो कुछ पैसे जैसे कमाएंगे कुछ काम करेंगे, और उसको भी ये साथ लेके आ गया और वो ऑटो चलाने लगा। इसने अपने सहयोगियों को जो कि दो गांव के हैं उसको भी बुलाया और ये कहा कि मेरे पास एक टारगेट है, एक युवती है जो कहीं बाहर से आई है, बाहर की रहने वाली है, और वो हवाला का पैसा करती है, और चूंकि वो हवाला का पैसा करती है वो पुलिस में भी नहीं जाएगी, और उसकी चाबी लेके चलती है अपने कमरे की, वो यहाँ कोई रिसर्च वगैरह पढ़ रही है इसका कहना था, और अगर हम उसको उठा लेंगे तो एक तो वो पुलिस में नहीं जाएगी क्योंकि वो खुद हवाला का काम करती है, और करीब हर आदमी को 3 से 4 करोड़ का टोटल वो अमाउंट है, हर आदमी के हिस्से में 1-1.5 करोड़ पड़ेगा। तीन लोगों से इसने ये कहा, दो अभियुक्त जो अभी रिकवरी के लिए गए हुए हैं, अभी आधे घंटे में आपको मिलेंगे, उनसे इसने कहा कि हमें एक लड़के की पढ़ाई करनी है, वो कुछ कसम देता है, हर आदमी को इसने अलग अलग बताया, और इसने उस दिन के लिए जो कि उसका डी डे था जिस दिन इसको ये पूरा ऑपरेशन करना था तैयार कर लिया। घटना जिस दिन हुई उस दिन, हाँ उससे पहले क्या ये ऑटो डेली चलाता था, इसने कई बार लड़की को ऑटो से ही इसी मॉडस ऑपरेंडी से पिक करने की कोशिश की, लेकिन युवती है इसका कहना यह उसी ऑटो में बैठती थी जो इसमें एक दो लड़की पहले से बैठी होती थी, तो ये मैनेज नहीं कर सकता था, एक दो लड़की बैठी हो तो लड़की उसी में बैठती थी, वो एक बार इसके साथ भी वो बैठी, ये बैठा के लाया, एक बार ये अपने इसके फादर घर तक देख के गया उसी ऑटो चालक के रूप में। ये जो युवती थी इसको ये बिल्कुल पता नहीं था कि इस प्रकार की कोई फीलिंग इसमें जाहिर नहीं होने दी या कोई फीलिंग है। अब आप इसमें आगे ये हुआ, जब इसने ऑपरेशन किया जिस दिन, उस दिन ये हवाला वाला इसने अपने लोगों को बताया, और अगले दिन ये वहां पे पहुंचता है, लेकिन जो युवती है वो नेचुरली किसी उस ऑटो में ना बैठ करके, ये इसका ऑटो थोड़ा पीछे रह गया, वो नेचुरली उस ऑटो में बैठ गई जिसमें दो लड़कियां पहले से बैठी हुई थी। इसका जो ऑटो था जिसमें तीन लोग बैठे थे, प्रदीप उस ऑटो को चला रहा था, एक फहीम नाम का लड़का इसके साथ का वो, और एक ये पीछे माजिद नाम का एक लड़का पीछे बैठा था, अर्थात इसके ऑटो में दो जगह खाली थी। इसने क्या किया कि उस ऑटो से, लेकिन ये आएगी कैसे, उतारें कैसे, तो इसने क्या किया, एक खड़ंजा होता है चोबे का, जिसको ये अपनी लैंग्वेज में खड़ंजा बोलता है, जिसमें नुकीले वो होते हैं, कीले होती हैं, और साहिबाबाद की जो लाल बत्ती है, इसने पूरा घटनास्थल दिखाया है, उस लाल बत्ती पर इसने इस तरीके से ऑटो लगाया कि इसका आगे पहिया उसका पिछला वाला पहिया आगे था, और इसने चूंकि ऑटो का इधर का हिस्सा हाइट कम होती है, और इसने धीरे से वो जो खड़ंजा था या जो वो कीलों का बॉक्स था इसने उस ऑटो के में लगा दिया,